पिता के जज्बे को सलाम। जबलपुर में एक बच्चे को फुटपाथ पर तो दूसरे मासूम को गोद में लेकर चलाता है रिक्शा। वीडियो वायरल होते ही भावनाएं हुई आज। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द अखबार दान न्यूज। जबलपुर से एक ममतामयी तस्वीर सामने आई है, जहां एक पिता माँ का भी फर्ज निभा रहा है। वायरल वीडियो में युवक जिला अस्पताल के नजदीक रिक्शा चलाते हुए गुजर रहा था, जिसके कंधे में बिना कपड़े के मासूम गोद में था। वीडियो सोशल मीडिया में जैसे ही वायरल हुई, वैसे ही रिक्शा चालक की तारीफ शुरू हो गई। वायरल वीडियो में रिक्शा चलाने वाले युवक का नाम राजेश कुमार है, जो कि बिहार में रहता था। युवक 10 साल से जबलपुर में रह रहा है, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जबलपुर आया। शहर में आने के दौरान राजेश रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर फुटपाथ पे करने लगा, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि राजेश की पत्नी किसी अन्य युवक के साथ भाग गई, जिसके बाद राजेश हताश रहने लगा और राजेश के दो छोटे बच्चे और बेटी की जिम्मेदारी राजेश के कंधों पर आ गई, जिसके बाद राजेश ने मृतक की गुहार भी प्रशासन से लगाई। जानकारी के मुताबिक रिक्शा चालक की वीडियो जब बनाई गई तो वह आहत हो गया। वहीं अब वीडियो को लेकर तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। दरअसल रिक्शा चालक राजेश की शादी करीब 10 साल पहले हुई। शादी के बाद उसे उम्मीद थी कि उसकी जिंदगी एक बार नए अंदाज में करवट लेगी। हुआ यूं ही, राजेश को एक बेटी और एक बेटे की प्राप्ति हुई, लेकिन कुछ ही समय बाद बेटे और बेटी को छोड़कर माँ किसी अन्य के साथ भाग गई, जिसके बाद दोनों बच्चों की जिम्मेदारी राजेश बाखूबी निभा रहा था। इसी कारण दोनों बच्चों की जिम्मेदारी फुटपाथ में रहकर संभालता रहा। राजेश 10 साल से जबलपुर में ही अपना गुजर बसर कर रहा है। हालांकि वह अपने बच्चों को कभी कभी फुटपाथ में एक बूढ़ी महिला को भी सौंप कर जाता है, लेकिन सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो के बाद राजेश आहत हुए और उन्होंने वापस बिहार जाने का निर्णय लिया है। रिक्शा चालक का वीडियो सोशल मीडिया में जैसे ही जमकर वायरल हुआ, बाल कल्याण समिति ने रिक्शा चालक राजेश को तुरंत ढूंढना शुरू कर दिया, जहां रिक्शा चालक एम्पायर टॉकीज के नजदीक मिला। बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉक्टर मनीष व्यास के मुताबिक रिक्शा चालक राजेश की स्थिति दयनीय है। प्रशासन के द्वारा भी संज्ञान लिया गया है। रिक्शा चालक को शेल्टर की व्यवस्था की जाएगी और बच्चे के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन रिक्शा चालक अपने बच्चे को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। रिक्शा चालक राजेश के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप ही अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ऐसे ही अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।